दो गुड न्यूज़ हैं। एक गुड न्यूज़ तो ये है कि सऊदी अरब में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप बगैर इंटरव्यू के टीचर वीज़ा लेके सऊदी अरब में आ सकते हैं। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि 1 फ़रवरी 2024 से बहुत सारी न्यूज़ सऊदी अरब में गर्दश कर रही हैं कि सऊदी हुकूमत अकामा फ़ीस पे कोई रिलैक्सेशन करने जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये रिलैक्सेशन हो जाती है तो अकामा पे जो 3,000 रियाल कम करेंगे वो तो पाकिस्तानी अबाउट 2.5 लाख के करीब वीज़ा फ़ीस नीचे आ जाएगी। जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद टीचर वीज़े के लिए एलिजिबल कौन से लोग हैं, इसकी डिटेल वीडियो हम आप बनाने जा रहे हैं कि कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से लोग नॉट एलिजिबल हैं। अगर आप भी टीचर वीज़े के ख्वाह हैं तो फ्राइडे को हम एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं जिसमें टीचर वीज़ा फॉर ऑल, आप 2 हैं, 10 हैं या 10,000 हैं, सबको मिलेंगे और इजी स्टेप पे मिलेंगे जिसके कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। आपकी स्पोकन अच्छी है तो आए और अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम, अख्तर अली मेरा नाम है। आज गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए है कि हम इंशाल्लाह फ्राइडे से टीचर वीज़ा जो है जो बगैर इंटरव्यू के मिलता है वो टीचर वीज़ा फॉर ऑल के नाम से हम एक ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं जिसमें जो वेल एजुकेटेड लोग हैं सऊदी अरब आना चाहते हैं और जॉब हासिल करना चाहते हैं ये उनके लिए है। इसमें 3 वीज़े आ जाएंगे, टीचर वीज़ा ही है लेकिन इनके ड्यूरेशन है 3 महीने का भी होगा, 6 मंथ का भी होगा और 1 ईयर का भी होगा। और ये परमानेंट वीज़ा होगा, वर्क परमिट होगा। इस पर आप एजुकेशन रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं और आपको कोई भी जॉब मिल जाती है सऊदी अरब में, टीचर की, लेक्चरर की, एजुकेशन रिलेटेड कोई भी जॉब मिल जाती है और नहीं भी एजुकेशन रिलेटेड तो कोई भी जॉब मिल जाती है। तो सऊदी हुकूमत ने इस पे ट्रांसफरेबल अकामा इशू किया हुआ है कि कोई भी जॉब मिल जाती है तो ये इट्स सूटेबल फॉर दैट जॉब और ये आपका जो वीज़ा है उस जॉब के लिए सूटेबल हो जाएगा। तो ये वीज़ा मनीप भाई लेके आए थे, उनका इंटरव्यू हमने 2-3 दिन पहले किया, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं कि वो टीचर वीज़ा लेके आए और रियाद में आजकल एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हम इसको 4-5 पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फ्राइडे वाले दिन हम उसको भी आंसर करेंगे। और भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो भी आप हमें लाइव ट्रांसमिशन में भी पूछ सकते हैं और इधर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम लाइव ट्रांसमिशन में उसको डिस्कशन कर लेंगे आपके लोगों के साथ। तो फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तानी 6 बजे, इंडिया के 6:30 बजे और सऊदी अरब के 4 बजे पाकिस्तानी शाम के जुमे के बाद ये हम ट्रांसमिशन करेंगे जिसमें हम टीचर वीज़ा ऑल के नाम से आप लोगों को टीचर वीज़ा देंगे और हर हर इंसान के लिए, मेल फीमेल बूढ़ा बॉय यंग जो भी है सबके लिए ये एप्लीकेबल है और हर बंदा ले सकते हैं। और ये आपके फुट स्टेप पे होगा, आपके दहलीज पे होगा, इजी प्रोसेस के तहत आप लोगों को देंगे। अच्छा, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, आपके पास मिनिमम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर की डिग्री पे ये जो वीज़ा है ये स्टैम्प होगा, तो बैचलर की डिग्री जो है वो आपकी HEC से वेरीफाई होनी चाहिए, HEC से वेरीफाई और मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, तब आपका ये वीज़ा स्टैम्प होगा वरना ये आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, नंबर 2 पे बात आ जाती, आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी सी नहीं होना चाहिए। अगर आपको हेपेटाइटिस बी सी है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट वीज़ा। ओके, उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए आ रहे हैं, आप जो मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है सऊदी अरब में वो इंग्लिश आ जाता है। रियाद में तकरीबन 60-70 के करीब स्कूल हैं जिनको टीचर्स चाहिए, साइंस सब्जेक्ट सारे आ जाते हैं, कंप्यूटर आ जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनके लिए आपकी इंग्लिश स्पोकन अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी, जब मनीप भाई से मैंने बात की तो उन्होंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया, आप उनकी वीडियो भी देख लें, 3 दिन पहले की वीडियो है मनीप भाई की, कि वो एक बंदे ने उनका इंटरव्यू किया और स्पेशल इंग्लिश स्पोकन के लिए किया कि ये कैसे बोलता है, इसका एक्सेंट जो है अंडरस्टैंडेबल है, कॉन्फिडेंट है, फ्लुएंटली बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ये चीज़ें चेक करने के लिए इंग्लिश के मुतल किया। तो अगर नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करें और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, डिग्री वेरीफाई है, हेपेटाइटिस बी सी क्लियर है आपका और आपकी स्पोकन अच्छी है, तो
फिर आप आएँ सऊदी अरब में, सऊदी अरब के मुख्तलिफ सिटीज़ को विज़िट करें, जो बड़े सिटीज़ हैं जिसमें रियाद आ जाता है, दमाम आ जाता है, जद्दा आ जाता है। जद्दा से भी 3 दिन पहले मुझे एक फ़ीमेल की कॉल आई और उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर थी, कहती कि मैं 6 महीने पहले आपकी वीडियो देख रही थी पाकिस्तान से, फिर इधर आई सऊदी अरब में और आपकी वीडियो के बताए मुताबिक, आपके स्कूलों के बताए मुताबिक मैं गई हूँ और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल सिलेक्शन जो है 1-2-4 दिन में उसको वीज़ा मिल जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और उसका सारा इंटरव्यू और सारा जो उसका प्रोसेस है सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप आए और आए जॉब ढूंढें। जो बंदे मेहनत करने वाले हैं, सोने वाले नहीं हैं, जिनके अंदर कर्ज है कुछ करने का, तो वो रियाद में 1 महीना घूम लें, सारे स्कूल्स को घूम लें, आपको रियाद में ही जॉब मिल जाएगी। और रियाद में सैलरी पैकेजेस, हैंडसम सैलरी पैकेजेस हैं, रियाद इज़ कैपिटल ऑफ द सऊदी अरबिया, और सबसे अच्छे जो सैलरी पैकेजेस हैं वो रियाद में हैं, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, इवन कुछ स्कूलों की सैलरी 18,000 तक भी है, 18,000 रियाल तक भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे रबते के लिए भी मैसेज करते हैं कि आपसे रबता नहीं हो पा रहा, तो इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे हमारा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक पेज भी है और हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो भी बनी हुई है हाउ टू कॉन्टेक्ट विद अस, जिसमें हमारा ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ऑनलाइन ट्यूशन का ग्रुप भी है और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, तो वहां पे आप हमसे रबता कर सकते हैं। तो जुमे के दिन आप रेडी हैं हमारे साथ लाइव ट्रांसमिशन ज्वाइन करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपने सिटी का, अपने कंट्री का, आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए। आजकल पाकिस्तान में जिसको भी फ़ोन करते हैं तो वो उससे पूछते हैं क्या हालत है, तो वो कहता है भाई सर्दी बहुत है। क्या आप भी सर्दी वाले इलाके से हैं? चलें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को बताना था कि अगर आप रेडी हैं तो फ्राइडे वाले दिन आप आए, अब वीज़ा लें। और भी एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ क्या है कि सऊदी अरबिया जो है वो फरवरी में जो अकामे की फीस कम करने जा रहा है, हो सकता है ये गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए हो।